हेलो हाँ जी शुभम गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग बोल रहा हूँ यूरपीडिया से ना। यस सर आपका मॉक इंटरव्यू है ना। यस सर। यस सर ओके तो सिविल ब्रांच है आपकी। यस सर। ओके तो आप यार अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताओ मैं कौन कौन से हैं टेक्निकल। सर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आरसीसी सॉइल मैकेनिक। ओके सॉइल मैकेनिक स्ट्रक्चर आरसीसी। यस। ओके तो यार स्ट्रक्चर वर्ड क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम बीम्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स विच ट्रांसमिट लोड टू द ग्राउंड। ओके तो यार कॉलम एंड स्ट्रट में क्या डिफरेंस होता है? कॉलम एंड स्ट्रट सर। सर सॉरी सर नहीं मालूम। ओके यार डिग्री ऑफ फ्रीडम एक टर्म यूज करते हैं हम स्ट्रक्चर में ना। यस सर। यस। ओके तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है स्ट्रक्चर की? सर डिग्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रक्चर का मतलब है कि सर स्ट्रक्चर कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है उसमें, या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर रोटेशन उसमें हो सकता है। जैसे कि कोई फिक्स सपोर्ट। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या सर? स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? वन स्टोरी वन। सर स्ट्रक्चर का मतलब सर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और रोटेशनल। ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है मैथमेटिकल वैल्यू? 0, 1, 2, 3। थ्री सर। थ्री। अच्छा थ्री होती है। एक सुपर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम टर्म। यस सर। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? कौन सा स्ट्रक्चर सर? सुपर स्ट्रक्चर। शिवम सुपर। यस सर। यस सर। एक स्ट्रक्चर लो। यस सर। एक स्ट्रक्चर लो। यस सर। यस सर। वन स्टोरी वन बे। वन स्टोरी वन बे। यस सर। ठीक है। एक यस सर। एक स्पोर्ट है हिंज स्पोर्ट। एक सपोर्ट हिंज से। यस सर। और एक स्पोर्ट है फिक्स। एक सपोर्ट सर फिक्स। यस सर। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ मुझे इस स्ट्रक्चर की। डिग्री ऑफ फ्रीडम वन टू थ्री फोर सर। वो मेंबर जो है सर इनएक्सटेंसिबल है या एक्सटेंसिबल होगा? मेंबर एक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल है सर। सर सेवन। सेवन। और अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं जो कॉलम्स हैं वो यस सर इनएक्सटेंसिबल है तो सर वन टू टू सर फाइव। ओके अब ऐसा करो जो बीम yes, है सेंटर पे इंटरनल हिंज कंज्यूम कर रहा हूं। सेंटर पे सर इंटरनल हिंज। यस सर। अब मुझे बताओ अब जो स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी अगर हम सारे के सारे मेंबर्स को एक्सटेंसिबल माने? तो सर सेवन प्लस सर फोर सर सेवन प्लस अलेवन सर हो जाएगी। सर इलेवन हो जाएगी। ठीक है। yes, मतलब कि yes, आपने एक हिंज स्पोर्ट को अज्यूम किया और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फोर बोल दी। ठीक है। यस सर। अगर वो बीम के सेंटर पे। यस सर। तो हिंज स्पोर्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हम देखते हैं? सर हिंज में सर मूवमेंट हो सकता है सर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और रोटेशन सर हो सकता है दो डायरेक्शन में थीटा एक्स वाई थीटा एक्स जेड। और हिंज इंटरनल हिंज की सर हिंज सपोर्ट में सर हिंज सपोर्ट में होता। अब मैंने पूछा इंटरनल हिंज। हाँ सर। सर वो इंटर मिस हो गया सर। इंटरनल हिंज में सर वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो सकता है सर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हो सकता है और रोटेशन हो सकता है सर और दोनों डायरेक्शन में। और सर सपोर्ट इन सपोर्ट पे सर सिर्फ जो है कि रोटेशन अलाउड होता है सर और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रिस्ट्रेंड होता है सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड जॉइंट एंड पिन जॉइंट?
सर रिजिड ज्वाइंट सर जिसमें सर कोई भी मूवमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसका सर जीरो हो जाए उसको रिजिड ज्वाइंट बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि फिक्स सपोर्ट। तो यहाँ पर अभी जो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था, तो कॉलम और जो बीम है उसके बीच में आपने जो ज्वाइंट वो क्या ज़ूम किया था? कॉलम और बीम के बीच का जो ज्वाइंट था सर वो मैंने सर रिजिड ज्वाइंट दिया। तो उसकी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने तीन बताई है, है ना? यस सर। तो अभी आप जीरो कह रहे हो रिजिड ज्वाइंट। सर सॉरी सर रिजिड सर रिजिड सपोर्ट जो होगी सर उसका उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होगा सर, और रिजिड रिजिड ज्वाइंट होगा तो उसका सर डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री होगा अगर मेंबर एक्सटेंसिबल है तो। अच्छा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनेसी क्या होती है? सर डिग्री ऑफ स्टैटिक सर मतलब नंबर ऑफ सर अननोन इक्वेशन अननोन रिएक्शंस माइनस सर नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। दोबारा से बताना सर। डिग्री ऑफ स्टैटिक मतलब सर नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो 2D के अंदर हम कितनी इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल होती है? सर थ्री इक्वेशन था। अच्छा, एक फिक्स बीम अज्यूम करो। फिक्स बीम यस सर। एक फिक्स बीम है यस सर, उस पे लोड लगा है यस सर। कोई लोड की वैल्यू लिख दो पी, कोई भी पी वैल्यू का लोड लगा है यस सर और वो लोड है इंक्लाइंड। यस सर लोड इंक्लाइंड है सर। ठीक है, एंगल बना रहा है। ठीक है, जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बीम की उसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। यस सर। तो इसकी स्टैटिक डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरनेसी कितनी हुई इस बीम की? थ्री। अब ये थीटा जो तुमने ज़ूम किया है ना, इस थीटा की वैल्यू को कर दो 90 डिग्री। यस सर कर दिया। अब बताओ कितनी वैल्यू है? सर अब टू है। अब टू है? यस सर। कैसे सर? जो अभी दूसरा केस है सर इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं है तो सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो वहां पे अब मेरे पास फिक्स सपोर्ट पे दो अननोन है, दोनों फिक्स सपोर्ट पे दो अननोन है और अवेलेबल इक्वेशन भी है मेरे पास दो है। तो अननोन हो गया सर फोर और अवेलेबल इक्वेशन हो गया दो, तो फोर माइनस टू टू हो गया सर। और पहले वाले केस में जिसमें एंगल से था तो सर उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक कॉम्पोनेंट होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक कॉम्पोनेंट होगा, तो इसलिए वहां पर सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिएक्शन आएगा सर, तो इसलिए थ्री थ्री रिएक्शन होगा वहां पर। तो अभी तो आपने बोला कि अवेलेबल इक्वेशन हमारे पास तीन होती हैं बॉडी के अंदर, तो अब तो आप दो सर वो लोडिंग सर लोडिंग कंडीशन पर डिपेंड। मतलब सर यहां पे तो एक इक्वेशन मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सर कोई लोड है नहीं, तो इसलिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, तो वो पहले से हमको पता ही है, तो ये तो नोन हो गया ना सर, अननोन नहीं हुआ। ओके ओके, अभी आपसे ना अर्जुन सर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है? यस। हेलो, अभी आपने बोला था कि सॉइल आपका सॉइल आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट का, तो उससे मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सपोज एक गिवन सॉइल कंडीशन है, गिवन सॉइल कंडीशन है, एंड ये सॉइल कंडीशन है वाटर टेबल प्रेजेंट है ग्राउंड लेवल में। यस। ठीक है, और मैंने उसके ऊपर सरचार्ज लगाया एकदम से सडनली। सडनली यस सर। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर डेप्थ कितना होगा इफेक्टिव सर? एट अ पर्टिकुलर डेप्थ सर सडनली अगर लोड लगा रहे हैं तो सर पूरा का पूरा जो स्ट्रेस है वो सर वो वाटर बॉर्न कर लेगा, उसके बाद सर फिर डिसिपेट होके वो फिर सॉइल में ट्रांसफर होगा धीरे धीरे सर। अच्छा, ग्रेजुअली इट विल ट्रांसफर टू द सॉइल। ठीक है सर। अगर इस सरचार्ज की जगह
मैं यूज करता हूँ पानी का, पानी यूज करता हूँ पर्टिकुलर डेप्थ एच में, एक सपोज एच डेप्थ का मैं पानी भर देता हूँ ऊपर एच डेप्थ के लिए एक कंटेन्ड बाउंड्री कंडीशन में, तो अगर एच डेप्थ तक मैं पानी भर देता हूँ सॉइल के ऊपर तो वही सेम डेप्थ जेड पे, वही सेम डेप्थ जेड पे कितना होगा इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस? अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, अभी कंडीशन मैंने इससे पहले बताई थी कि ग्राउंड लेवल पे था, ठीक है, बट उस सरचार्ज को मैंने हटा दिया, अब सरचार्ज की जगह मैंने एक कंट्रोल्ड बाउंड्री कंडीशन में पानी भर दिया एच डेप्थ पर, यस सर, एच डेप्थ पर, यस सर, है ना, एच डेप्थ पर भर दिया, तो अब वही सेम पॉइंट जो कि डेड डेप्थ नीचे था ग्राउंड लेवल के, वहां से इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा? सर एक मिनट का, सर ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर सर वाटर का डेप्थ चेंज करने पे कोई इफेक्टिव स्ट्रेस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सर वो जो टोटल स्ट्रेस में जितना चेंज होगा उसी उसी अनुसार से सर उसमें पोर वाटर प्रेशर में भी चेंज आ जाएगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस कॉन्स्टेंट रहेगा सर। ठीक है, ठीक है, अगर यही अब डेप्थ रेड जो जो ग्राउंड लेवल पे वाटर टेबल था, अब वो ग्राउंड लेवल से हटके वो डेप्थ रेड पे आ जाता है, ड्रॉडाउन हो जाता है एक तरीके से वाटर टेबल का, और क्या होता है कि इट लीव्स द अबव सॉइल कैपिलरी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड रह जाता है, कैपिलरी सैचुरेटेड रह जाता है, तो ग्राउंड लेवल पे और डेप्थ रेड पे कितना होगा इफेक्टिव सर? ग्राउंड लेवल पे सर मैं रिपीट करूंगा सर, नहीं सर समझेगा सर, ग्राउंड लेवल पे सर वो कैपिलरी हाइट इनटू गामा सैचुरेटेड ये सर गामा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा सर इफेक्टिव स्ट्रेस, और डेप्थ जेड पे सर टोटल स्ट्रेस प्लस प्लस हो जाएगा सर, इसमें एडिशन हो जाएगा सर, क्योंकि जो स्क्रीन जो है सर उसमें नेगेटिव फॉरवर्ड हाइट जेड पे सर, एक मिनट सर जो जेड डेप्थ सर होगा वो सर गामा सबमर्ज्ड इफेक्टिव स्ट्रेस सर गामा सबमर्ज्ड इनटू वो इनटू जेड हो जाएगा सर, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे जितना हाइट है और ऊपर सर कैपिलरी फ्रिंज के कारण सर नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर जनरेट हो जाएगा सर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, टोटल स्ट्रेस तो सर ऊपर वाले पॉइंट पे जीरो होगा और फिर पोर वाटर प्रेशर के कारण वहां पे स्ट्रेस आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये कैपिलरी की बात कर रहे हैं, कैपिलरी का कंसेप्ट समझा सकते हो? कैपिलरी होती है सर, कैपिलरी सर सर सरफेस टेंशन के कारण सर कैपिलरी जनरेट होती है सर, सरफेस टेंशन के कारण डेवलप होती है, तो वहां पर लिफ्ट कैसे हो जाता है? वाटर सर लिफ्ट कैसे हो जाता है? और अगर लिफ्ट होता है तो फाइन ग्रेन में ज्यादा लिफ्ट होता है या कोर्स ग्रेन में ज्यादा लिफ्ट होता है? सर फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा लिफ्ट होता है। अच्छा अच्छा, कोई स्पेसिफिक रीजन इसके लिए? सर क्योंकि सर वो कैपिलरी हाइट जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर साइज होती है सर, इसलिए जो फाइन डायमीटर की होती है, डायमीटर की होती है सर, डायमीटर सर डी 10 इफेक्टिव साइज लेते हैं सर सॉइल के केस में, उसमें 10 क्या होता है? 10 सर परसेंटेज फाइनर देन
परसेंटेज फाइनल होता था 10 डी 10 ठीक है मतलब 10% मतलब 10% पार्टिकल जो है एक पर्टिकुलर साइज से फाइनल है उसको डी 10 बोलेंगे ठीक है ठीक है और भी किसी तरीके का पानी प्रेजेंट होता है इसके अंदर सर एक सर मतलब स्ट्रक्चरल वाटर होता है वो सॉइल में प्रेजेंट जिसको मतलब जो सॉइल के स्ट्रक्चर में एब्जॉर्ब रहता है सर क्या हो जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है यस सर एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब मॉइस्चर जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल वाटर एब्जॉर्ब वाटर होता है यस ये कह रहे हो स्ट्रक्चरल वाटर एब्जॉर्ब वाटर होता है एब्जॉर्ब वाटर क्या होता है मतलब कोई और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एब्जॉर्ब वाटर को नहीं सर वाटर पता होगा फ्री वाटर क्या होता फ्री वाटर यस सर फ्री वाटर सर जो ग्रेविटी ग्रेविटी के अंदर फ्लो फ्लो कर जाता सर वो जो सॉइल में रिटेन नहीं रहता वो सर फ्री वाटर हो गया अच्छा अच्छा ठीक है अगर सॉइल के अंदर सपोज अगर मेरे को कंस्ट्रक्शन नहीं करनी वहां पे मेरे को इरिगेशन करनी है ठीक है सॉइल मेरे को इरिगेट करना है वहां पे मेरे को एग्रीकल्चर के लिए यूज करना है वो पर्टिकुलर सॉइल अगर वहां पे फ्री वाटर प्रेजेंट नहीं है अगर वहां फ्री वाटर प्रेजेंट नहीं है पर वहां पे स्ट्रक्चरल वाटर प्रेजेंट है या एब्जॉर्ब वाटर प्रेजेंट है क्या मैं वहां पे कैपिलरी वाटर ही ले लो कैपिलरी वाटर प्रेजेंट है क्या मैं वहां पे यस सर क्रॉप ग्रो कर सकता हूँ यस सर कैपिलरी वाटर प्रेजेंट हो तो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं सर क्योंकि क्रॉप जो कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा सर लेकिन स्ट्रक्चरल वाटर को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा सर ठीक है चलो तो अगर स्ट्रक्चरल वाटर एक चलो ठीक आगे अब हानि कर रहा है कुछ फीडबैक दे देते हैं आपके इंटरव्यू का ना हम यस सर तो सबसे पहले सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है तो उसको आपने सही से डिफाइन नहीं किया कि स्ट्रक्चर क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स होता है आप बोल रहे हो कि बीम कॉलम तो इस तरह से हमें उसकी डेफिनेशन नहीं देनी है क्लियर हमें बोला कि दैट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स ठीक है विच कैन बियर द लोड तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर क्लियर तो बीम कॉलम ऐसा जनरलाइज जो भी स्टेटमेंट देनी होती है तो उसको इस वर्ड को आपको यूज करना तो इसको ध्यान रखना ठीक है उसके बाद आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा सर ने क्वेश्चन पूछा डिग्री ऑफ फ्रीडम का तो उसको आपने सही बताया क्वेश्चन भी आपने सही डील किया क्लियर लेकिन उसके बाद मैंने आपको काफी सारे केसेस बोले एक्सटेंसिबल का इनएक्सटेंसिबल का तो वो आपने काफी अच्छे से डील किए उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड जॉइंट एंड पिन जॉइंट तो उसको आपने अच्छे से क्लियरली डिफाइन किया आपको नॉलेज तो थी नो डाउट लेकिन आपने उसको अच्छे से जैसा मतलब उसको डिफाइन करना चाहिए था वो आपने उसको वैसा से डिफाइन नहीं किया तो रिजिड जॉइंट एंड पिन जॉइंट में क्या फर्क होता है कि रिजिड जॉइंट में जितने भी मेंबर्स उसके साथ अटैच होते हैं वो सेम एंगल के साथ मतलब आफ्टर द डिफ्लेक्शन वो एंगल क्या बनाते हैं सेम एंगल होता है ठीक है लेकिन जो हमारे पास हिंज जॉइंट होता है उसपे जब डिफ्लेक्शन आती है तो वो डिफरेंट एंगल के साथ डिफ्लेक्ट करते हैं उसपे जितने मेंबर्स कनेक्ट होते हैं तो सपोज करो उसपे दो मेंबर कनेक्ट है तो थीटा वन थीटा टू तीन मेंबर है तो तीनों में डिफरेंट रोटेशन आएगी थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री क्लियर थीटा थ्री यस इसके बाद आपने स्टैटिक इंटरप्रेटेशन सही बताया वो क्वेश्चन जो मैंने दिए वो भी आपने सही से डील किए क्लियर तो स्ट्रक्चर में तो है आपको बस थोड़ा सा आप उसको और अच्छे से उसको पढ़ लें तो वो सही हो जाएगा ठीक है उसके बाद अर्जुन सर आपको देंगे फीडबैक हाँ जी अभी ये मैंने आपसे सवाल पूछा था फर्स्ट मेरा आपसे यही सवाल था ना कि सॉइल कंडीशन के हिसाब से जो मैंने आपसे डिफरेंट सवाल पूछे थे कि सर चार्ज बदलिया आप यू आर एब्सोल्युटली राइट ठीक है बट आपने ये भी जब दिया था जब पॉन्ड बना देते हैं हम एच हाइट तक अगर मैंने पॉन्ड बना दिया तो वहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा यू आर एब्सोल्युटली राइट बट जब ब्लॉडाउन हो रहा है उसमें आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ था उसमें क्या आपने गड़बड़ कर दी जब भी मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा जब भी अगर आपको ऐसे लगे इफेक्टिव स्ट्रेस के मामले में पहले टोटल निकालो फिर कोर निकालो या फिर माइनस करो या ठीक है एकदम से आंसर की तरफ जंप ना करें ज्यादा सही रहेगा आपने दिया था गामा कन्वर्ट इनटू जेड बट आंसर है गामा सैचुरेटेड इनटू जेड कन्वर्जेंस तो है ही नहीं ना कैपिलरी जोन में है ना
कंबर्जन तो है नहीं कैपिलरी जोन में, इट इज सैचुरेटेड ओनली, है ना? या तो इसके नेक्स्ट सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कैपिलरी एक्सप्लेन कर दो, आपने सिर्फ बोल दिया सरफेस टेंशन की वजह से. दिस इज नॉट एक्यूरेट डेफिनेशन. जरूर सरफेस टेंशन की वजह से होती है बट एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है. इट इज द वॉटर विच इज बींग लिफ्टेड बाय द सरफेस टेंशन अबव द प्री वॉटर सरफेस लेवल. ठीक है? यस सर. दिस वॉटर कहाँ प्रेजेंट होता है? वॉइड में. ठीक है? एंड फिल्स अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस अबव द ग्राउंड वॉटर टेबल. इस चीज को हम बोलते हैं क्या? कैपिलरी सैचुरेशन. ठीक है? ये करेक्ट डेफिनेशन है कैपिलरी सैचुरेशन. नेक्स्ट सवाल मैंने आपसे पूछा और किस तरीके के पानी प्रेजेंट होते हैं. आपने बोला स्ट्रक्चरल वॉटर. स्ट्रक्चरल वॉटर स्ट्रक्चर है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. ओके, क्या हम इसको ले सकते हैं? हम उसको प्लांट इसको ग्राम नहीं कर सकते कभी. तो ये उसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. ठीक है? हाँ. दूसरा मैंने आपसे पूछा कि एडसॉर्ब वाटर और एडसॉर्ब वाटर क्या होता है. एडसॉर्ब वाटर ये होता है जो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है? व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद वाटर देयर विल बी एडसॉर्ब देयर फॉर्मेशन. एडसॉर्प्शन क्या होती है? एक्रेशन. एक होती है कोहेजन, एक होती है एडेशन. ठीक है? एडसॉर्प्शन इन ग्रेन इज ड्यू टू द सर्फेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेन. ठीक है? ड्यू टू द सर्फेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेन. ठीक है? ये हाइपर एक्टिव नेचर होता है फाइन ग्रेन सॉइल्स का, जिसकी वजह से उसके आजू बाजू सॉइल जुड़ जाती है, मतलब पानी जुड़ जाता है. ठीक है? इसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन. ठीक है? ठीक है? फ्री वाटर के बारे में पूछा. फ्री वाटर के लिए आप सही थे. फ्री वाटर होता है ग्रेविटी वाटर, पोर वाटर, जो प्लांट इसको इजीली ग्रैब कर सकते हैं. ठीक है? अपने मतलब यूज करते हैं. कैपिलरी वाटर भी यूज करा जा सकता है और एब्जॉर्ब वाटर भी यूज करा जा सकता है. yes. क्योंकि हाई रिटेंटिविटी, ये हाई फाइन ग्रेन सॉइल्स आर हाई वाटर रिटेंशन सॉइल. ठीक है? यस सर. ठीक है? जितनी देर तक वाटर रिटेन करके रखेगा उतना ही मेरे एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए यूज आएगा. एग्जाम्पल कौन सा? ब्लैक कॉटन सॉइल. ठीक है? ठीक है? इट वॉज गुड बट आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो, अपने बेसिक्स को और इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है? Go in depth and read more and revise more. ठीक है? Yes sir. सर सोर्स कौन सा यूज कर सकता है सर बुक के अलावा? बुक इज सफिशियंट. बुक नहीं तो NPTEL के लेक्चर देखी है, वो बहुत सही है. बुक्स सर्च ऑन गूगल की कैसे करिए, सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है? बुक्स करिए, नोट्स पढ़िए, नोट्स को इनडेप्थ पढ़िए. और अपने जब भी आपने आपका ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है? क्रॉस क्वेश्चनिंग कहाँ से कहाँ तक हो सकती है. जब आप रिवाइज कर रहे हो ना तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन चलने चाहिए. ठीक है? आपके दिमाग में वो क्वेश्चन चलने चाहिए क्रॉस क्वेश्चन होते हो. ठीक है? तो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में खुद निकल रहा है उसका सवाल अपने आप आंसर करने की कोशिश करो, उसको ढूंढो. ठीक है? रिवाइज करो मैक्सिमम से मैक्सिमम. योर मीडिया पे जितनी वीडियोज है उनको रिवाइज करो, उनसे रिवाइज करो. ठीक है? ठीक है? इट वाज अदरवाइज वेरी गुड. ओके शुभम फिर. हेलो. यस सर. हाँ जी शुभम. तो आपका आई थिंक मोर और लेस सभी टीचर्स ने आपको दे दिया है फीडबैक. तो नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू करेंगे, तब तक आप ना प्रिपेयर करो अच्छे से. जो भी आपको पता चला इस मॉक इंटरव्यू सीखने से मिला उसको प्रिपेयर करो. चाहे दो ही सब्जेक्ट का आप दो, लेकिन उसको अच्छे से प्रिपेयर करके. मोर और लेस स्ट्रक्चर में आपका होल्ड काफी अच्छा है. yes, तो आई थिंक डिजाइन वाला डोमेन में आपको जाना सही रहेगा. ठीक है? बाकी नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू के अंदर देखते हैं कैसा. गुड लक ना. यस. ओके. थैंक यू सर. ओके.